वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। बुधवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सहमति बनी कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। एएसआई ईमेल से रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जता रही थी, इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेने पर सहमत हुए। बुधवार को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को दोनों पक्षों को देने को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी दिन हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट से कॉपी सौंपने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होनी थी, मगर उस दिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 5 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी यानी आज तक के लिए टाल दी थी। 1991 से जुड़े ज्ञानवापी के एक मामले में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट की सील बंद कॉपी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जमा की है। यह मामला ज्ञानवापी सर्वे के हालिया मामले में अलग मूल बात था। इसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर पर अपना दावा किया था, कहा था कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज किया था। एएसआई ने 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसमें जीपीआर रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे। इसे अमेरिका के जीपीआर सर्वे एक्सपर्ट ने तैयार किया है। हैदराबाद के साथ अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने कई दिनों तक 10 मीटर तक गहराई का गहन अध्ययन किया गया था। फिर अमेरिका ने 400 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज और उसके अधिक रेंज के रडार की मदद से रिपोर्ट बनाई गई। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद एएसआई ने 3 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार की। पहली कॉपी ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की है, जिसमें स्थलीय बनावट और काल और समय पर डिटेल है। दूसरी कॉपी में जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है, जिसमें तरंगों के जरिए ग्राफ बनाया और उसके नीचे मौजूद अवशेषों का एक्सरे किया गया। इसकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स में तैयार की गई है। तीसरी कॉपी में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। ज्ञानवापी में 3 स्तरों पर तैयार रिपोर्ट को दिनों के अनुसार पीपीटी स्लाइड में तैयार किया गया है। उसी दिन की प्रगति को अलग से उल्लेखित भी किया गया है। आज दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय ने सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। अब जैसे ही माननीय न्यायालय ऑर्डर पारित कर देता है, हमारी लीगल टीम उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेगी। देखिए, कोई टाइमलाइन कोई आदमी नहीं बता सकता है। अब जज साहब कब ऑर्डर लिखाएंगे, कितनी देर में लिखाएंगे, 15 मिनट में लिखाएंगे, आधे घंटे में लगाएंगे, 1 घंटे में लिखाएंगे, 5 बजे ऑर्डर आएगा, ये तो हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, ये तो नहीं। हमने कोर्ट के सामने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध